हेलो दोस्तों, एड्યુટેકનો चैनल में आपनु स्वागत है। आज आपणे कवि परिचय शीखीशुं। कवि परिचय में नरसिंह मेहता विशेनी माहिती मेळवीशुं। तेमना जीवन विषे, तेमनी कृतिओ विषे, तेमनी प्रख्यात काव्य पंक्तिओ विषे तथा अगाउनी परीक्षा में पूछायेला नरसिंह मेहताना प्रश्नों विषे तमाम चर्चा आपणे आजे आ विडियो में करीशुं। आ विडियो जोईने नरसिंह मेहता विषे परीक्षा में प्रश्न पूछाई शके तो तमे सरलताथी जवाब आपी शको ए रीते प्रयत्न करीने नरसिंह मेहतानी तमाम मुख्य माहिती आ विडियोमां मेळवीने तमने आपवामां आवी छे। आ विडियो तमाम स्पर्धात्मक परीक्षाओनी तैयारी करनारा विद्यार्थीओ माटे खूब ज उपयोगी बनी रहेशे, तेथी विडियो अंत सुधी निहाळो तेवी मारी नम्र विनंती। चालो शीखीए नरसिंह मेहता विषे। तेमनुं जन्मस्थळ तळाजा जे भावनगर जिल्लामां आवेलुं छे। कर्मभूमि जूनागढ़ छे। उपनाम नरसैयो, भक्त हरिणो अने आदिकवि ए तेमना उपनाम छे। तेमनी मातानु नाम दयाकुवर अने पितानु नाम कृष्णदास छे, जे वडनगरना ब्राह्मण कुटुंबना छे। तेमनो लग्न 16 वर्षनी वये माणिकबाई साथे थया हता। तेमना संतानमा पुत्र शामळदास अने पुत्री कुंवरबाई हता। नरसिंह मेहताए मध्यकालीन साहित्यनो साहित्यिक दृष्टिए प्रथम कवि गणाय छे। नरसिंह मेहतानी जन्मभूमि तळाजा अने कर्मभूमि जूनागढ़ने बनावी हती। तेमनुं समग्र साहित्य श्री कृष्ण तथा तेमना पर थयेली कृपाना प्रसंगोने ध्यानमां राखीने लखेलुं छे। तेमणे भक्ति कविता अने ज्ञानमार्गी कविता लखवानो प्रारंभ कर्यो हतो, ए आपणे खास याद राखवा जेवुं छे। प्रथम मोटा जैनेतर कवि नरसिंह मेहता छे। સૌપ્રથમ મોટા પ્રથમ પંક્તિના કવિ તરીકે પણ નરસિંહ મહેતા ઓળખાય છે। પદ એટલે કે ઉર્મી કાવ્યનો પ્રારંભ કરનાર, પદમાળા અને આખ્યાનનો પ્રારંભ કરનાર, ભક્તિ માર્ગ અને જ્ઞાનમાર્ગની કવિતાનો પ્રારંભ કરાવનાર, પ્રભાતિયા માટે પ્રસિદ્ધ પદોમાં ઝૂલણા છંદનો ઉપયોગ કરનાર નરસિંહ મહેતા છે। હવે આપણે नरसिंह मेहताना जीवन विषे माहिती मेळवीए। बाळपणमां ज तेमना माता पितानुं मृत्यु थतां तेमनो उछेर तेमनी दादी जया गौरी द्वारा थयो हतो। तेमना लग्न 16 वर्षनी वये एटले के कदाच 1429 मां माणिकबाई साथे थया हता। तेओ अने तेमनी पत्नी तेमना भाई बंसीधरने त्यां जूनागढ़मां रहेता हता। वारंवार भाभीना महेणा सांभळीने तेओ गोपनाथ महादेव एटले के भावनगरना जे हाल में गोपनाथ महादेवनु मंदिर है त्या तप करवा आव्या हता एवी लोकवायका है। अने तप करवाथी त्या तेमने महादेवजी प्रसन्न थाय छे। नरसिंह मेहता भगवान शिव साथे वृंदावन में श्री कृष्ण अने गोपीनो रास निहाळे छे। नरसिंह मेहता दामोदर कुंड स्नान करवा जता त्यारे रामगिरी राग गाता अने पाछा फरता त्यारे प्रभातिया गाता हता। जूनागढ़ना राजा रा मांडलिके करेल परीक्षा जाणीती छे। नरसिंह मेहता राजा रा मांडलिकना समकालीन हता। तेओ झूलना छंद जे 11 मात्रानो अने मल्हार राग गावामां जाणीता हता, जेम के जागने जादवा जे झूलना छंदमां लखायेलुं छे। नरसिंह मेहताना पुत्र शामळ शाहनी पत्नी रतनबाई तथा रतनबाईना पिता मदन मेहता मूळ वडनगरना हता, ज्यां आजे शामळ शाहनी चोरी आवेली छे। नरसिंह मेहतानी पुत्री कुंवरबाई अने तेमनी पुत्री शर्मिष्ठा अने तेमनी पुत्री तानारी जे गुजरातनी संगीत बेलडीओ तरीके जाणीती छे, जेओ मल्हार राग गावामां जाणीता हता। आ बंने संगीत बेलाओए अकबरना दरबारना संगीत रत्न तानसेननो अग्निदाह शमावेलो। ભારતમાં 14મી અને 15મી સદી દરમિયાન ભક્તિ માર્ગનું મોજું ફરી વળ્યું, ત્યારે દક્ષિણ ભારતમાં મરાઠી સંત નામદેવે જેવું કાર્ય કર્યું તેવું ભક્તિ માર્ગીય કવિતાનું કાર્ય નરસિંહ મહેતાએ ગુજરાતમાં કર્યું છે। નરસિંહ મહેતા ઉપર કવિ જયદેવની કૃતિ ગીત ગોવિંદનો વિશેષ પ્રભાવ પડ્યો છે। તેમણે ગુજરાતી સાહિત્યમાં જ્ઞાનમાર્ગી કવિ, પદના સર્જક, પ્રભાતિયાના સર્જક, ભજનના સર્જક, આખ્યાનના બીજ વગેરે તેમની પાસેથી મળે છે। તેમની કૃતિ શ્રાદ્ધમાં આખ્યાનના બીજ જોવા મળે છે। તેઓ આદ્ય કવિ અથવા આદિકવિ કહેવાય છે। તેમણે લખેલી રચનાઓમાં ભજન વૈષ્ણવજન ખૂબ જ જાણીતું છે, જે મહાત્મા ગાંધીનું ખૂબ જ પ્રિય હતું। હવે તેમના સાહિત્ય સર્જન વિશે માહિતી મેળવીએ। તેમની કૃતિઓ શામળદાસનો વિવાહ, ભક્તિપદો, ગોવિંદ ગમન, કુંવરબાઈનું મામેરું, सरिता चरित्र, सुदामा चरित्र, हुंडी, दानलीला, रास सहस्त्रपदी, जारीना पद, चातुर्यो, जीवन जरमर, श्राद्ध, आत्मकथानक, श्रृंगारमाला, हिंडोळो, वसंत विलास, भक्ति पदार्थ जे काव्य है आवी कृतिओनु तेमणे सर्जन कर्युं हतुं। कुंवरबाईनु मामेरू, हारमाळा, हुंडी, श्यामळशानो विवाह, श्राद्ध वगैरह आत्मचरित्रात्मक पदों है। नरसिंह मेहतानु वखणातु साहित्य जे प्रभातिया पद, भजन, झूरणाछंदनो प्रयोग अने वैष्णवजन पद जे नरसिंह मेहतानु साहित्य खूबज वखणाय छे। तेमनु आजनी घड़ी रळियामणी भक्तिगीत में केदारो राग खूबज जाणीतो छे। गुजरातनो सौथी लोकप्रिय कवि तरीके नरसिंह मेहता जाणीतो छे। तेमणे मध्यकालीन गुजराती साहित्यना श्रेष्ठ आदिकवि कहेवामां आवे छे। हवे तेमनी जाणीती पंक्तिओ विषे जाणीए। निरखने गगन में कोण घूमी रह्यो, तेज हूँ शब्द बोले, भलू थयू भांगी जंजाळ, सुखे थी भजीशू श्री गोपाल। आ पद तेमणे तेमनी पत्नीना अवसान प्रसंगे गायू हतु। जेहना भाग्य में जे समय जे लख्यू होय तेने तेज पहुँचे, वैष्णवजन तो तेने रे कहिए जे गांधीजीनु प्रिय छे अने गुजरातना उद्घाटन समये मयूरीबेन खरेए ते गायू हतु। ऊँची मेड़ी ते मारा संतनी, अखिल ब्रह्मांड में एक तूज श्रीहरि, एवा रे अमो एवा रे तमे कहो छो तो वळी तेवा रे, हळवे 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 हरजी मारे मंदिर आव्या रे, जल कमल छांडी जाने बाळा, जागने जादवा कृष्ण गोवाळिया तुज विना धैन में कोण जाशे, ज्यां लगी आत्मतत्व चिंत्यो नहीं त्यां लगी साधना सर्व जूठी, घाट घड़िया पछी नाम रूप जूझवा अंते तो हेमनु हेम होय, हूँ कहूँ करूँ एज अज्ञानता शकटनो भार जेम स्वान ताणे। आजनी घड़ी रळियामणी जे केदारो राग छे। भोळी रे भरवाड़न चाली हरीने वेचवा, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्मलोक में नाही रे। आ उपरांत शामळियो ते उरनु भूषण, दया भीड़ी राखू रे, ऊँची मेड़ी ते मारा संतनी रे, प्रेम रस पाने तू मोरना पिच्छधर तत्वनु पड़ू तुच्छ लागे, गरथ मारू गोपीचंदन। आ बधी पंक्तिओ जाणीती छे अने परीक्षा में पूछाई शके छे। त्यारबाद आटलू खास याद राखो। गुजराती भाषा की सौ प्रथम फिल्म जे नरसिंह मेहता है जे 1932 में बनी थी। ईस्वीसन 1999 थी नरसिंह साहित्य निधि ट्रस्ट द्वारा आद्यकवि नरसिंह मेहता एवॉर्ड मोरारी बापूना हस्ते साहित्य क्षेत्रे आपवामां आवे छे। प्रथम नरसिंह मेहता एवॉर्ड विजेता राजेन्द्र शाह हता अने 2019 नो छेल्लो नरसिंह मेहता एवॉर्ड विजेता खलील धनतेजवी हता। धोरण 8 થી 12 सुधी नरसिंह मेहतानी कृतिओ विषे जोईए। धोरण 8 में हळवे हळवे पद जे नरसिंह मेहतानुं छे। धोरण 9 में संतो अमेरे वहेवारिया जे पद छे। बीजू सांज समय शामळियो जे गीत काव्य छे। त्यारबाद धोरण 10 में भक्ति पदार्थ जे पद छे। त्यारबाद धोरण 11 में केम पूजा करूं जे पद छे अने बीजू पद जागरे जादवा। त्यारबाद धोरण 12 में वैष्णवजन तो जे पद छे अने बीजू मेहुलो गाजे ने माधव नाचे जे कविता है। आ बधीज कृतिओ धोरण 8 થી 12 सुधीना गुजराती विषय में प्रथम भाषा तथा द्वितीय भाषाना पुस्तक में जोवा मळे छे। हवे अगाउनी परीक्षा में नरसिंह मेहता विषे केटलाक पूछायेला प्रश्न जोईए। नरसिंह मेहतानो जन्म कया गाममां थयो हतो जे ए तळाजामां थयो हतो जे DYSO नी 2016 नी परीक्षामां पूछायेलो प्रश्न छे। आदिकवि तरीके कोण जाणीतुं छे जे नरसिंह मेहता। आ जुनियर क्लार्क नी बेकलॉग नी 2011 नी परीक्षामां पूछायेलो छे। त्यारबाद गांधीजीना प्रिय भजन वैष्णवजन तो तेने कहिए नी रचना कोणे करी छे नरसिंह मेहता जे कोन्स्टेबल नी 2015 नी परीक्षामां पूछायेलो छे। त्यारबाद कुंवरबाईनु मामेरू आख्यान कृति कया कविनी छे नरसिंह मेहता। ज्ञानपीठ एवॉर्ड कया क्षेत्रे अपाय छे साहित्य क्षेत्रे अपाय छे। गुजराती भाषाना श्रेष्ठ साहित्यकार ने क्यारथी नरसिंह मेहता एवॉर्ड आपवामां आवे छे। ईस्वीसन 1999 थी अने ते नरसिंह मेहता साहित्य निधि ट्रस्ट द्वारा अपाय छे। गुजराती साहित्य में कविता क्षेत्रे सौथी मोटो एवॉर्ड कयो छे नरसिंह मेहता एवॉर्ड। गुजराती भाषा में भक्ति गीतों लखवानो प्रारंभ कोणे कर्यो नरसिंह मेहताए जे कोर्ट क्लार्क अने स्टेनोग्राफर 2012 नी परीक्षा में पूछायेलो छे। जागीने जुए तो जगत दिशे नहीं ब्रह्म पासे आ प्रभातियानी रचना कोणे करी छे? नरसिंह मेहता जे भाषा शिक्षक योग्यता कसोटी 2013 मां पूछायेलो छे। भोळी रे भरवाडन हरिनी पदना रचयिता कोण छे? नरसिंह मेहता। रेवन्यू तलाटी 2014 नी परीक्षा मां आ प्रश्न पूछायेलो छे। आ रीते आपणे नरसिंह मेहता विशेनी तमाम माहिती मेळवी। विद्यार्थी मित्रों, વધુ યાદ રાખવા માટે વિડીયોને હજુ એકવાર રિફર કરી શકો છો અને બીજા કવિઓના કવિ પરિચયના વિડીયો પણ આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે, તેથી અમારી ચેનલને અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો।